हेलो किसान भाइयों, राम राम। स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से किसान बाजार भाव में। मैं सनी कुमार गुप्ता और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों महाराष्ट्र के सभी बड़ी मंडियों में सोयाबीन के भाव दोस्तों 11 नवंबर 2020 को क्या देखने को रही है। मतलब दोस्तों अभी तक का जितने भी अपडेट आ चुके हैं सोयाबीन में, मैं आज इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर ऑन कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। किसान भाई, यहाँ पे बात करें सोयाबीन के तेजी मंदी की, तो दोस्तों यहाँ पे सोयाबीन में लगभग दोस्तों धमाकेदार तेजी देखने को मिल रही है हर एक मंडियों में। तो दोस्तों जानेंगे यहाँ पे कौन सी मंडी में क्या भाव रहे हैं, पूरी तरह इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर बने देगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। उस लिंक पर जाकर क्लिक करके ढेर सारे मंडियों के भाव वहाँ पर जान सकते हैं महाराष्ट्र के, ठीक है। तो तालोद मंडी की बात करें, यहाँ पर 4,061 रुपये से लेकर दोस्तों 4,116 रुपये भाव देखने को मिला है सोयाबीन में। आवक यहाँ पे दोस्तों 9 क्विंटल देखने को रही है। बात करें यहाँ पे माजलगांव मंडी में, जो कि 2500 रुपये से लेकर दोस्तों 4,019 रुपये भाव देखने को मिला है। आवक की बात करें तो आवक यहाँ पर 1862 क्विंटल देखने को रही है। बात करेंगे अमरावती मंडी में, जो कि दोस्तों 3300 रुपये से लेकर दोस्तों यहाँ पे 4225 रुपये भाव देखने को मिला है सोयाबीन में। आवक यहाँ पर दोस्तों 9702 क्विंटल देखने को रही है। बात करेंगे यहाँ पे दोस्तों औरंगाबाद मंडी में, जो कि 3851 रुपये से लेकर दोस्तों यहाँ पे 4000 रुपये भाव देखने को मिला है सोयाबीन में। आवक यहाँ पे दोस्तों 108 टन देखने को रही है। बात करेंगे लातूर मंडी में, जो कि दोस्तों 3500 रुपये से लेकर दोस्तों 3995 रुपये भाव देखने को मिला है। आवक यहाँ पे दोस्तों 55228 क्विंटल देखने को रही है। बात करेंगे नेक्स्ट में लातूर मुरुड मंडी में, जो कि दोस्तों यहाँ पर 3800 रुपये से लेकर 4031 रुपये भाव देखने को मिला है सोयाबीन में। आवक यहाँ पर 461 टन क्विंटल देखने को रहे हैं। बात करें करंजिया मंडी में, जो कि 3450 रुपये से लेकर दोस्तों यहाँ पे 4150 रुपये भाव देखने को मिला है सोयाबीन में। आवक यहाँ पर 8000 क्विंटल देखने को रहे हैं। बात करेंगे हिंगोली मंडी में, जो कि दोस्तों 3650 रुपये से लेकर 4250 रुपये भाव देखने को मिला है सोयाबीन में। आवक यहाँ पर 1250 क्विंटल देखने को रहे हैं। सिरूर मंडी की बात करूँ तो 3700 रुपये से लेकर दोस्तों यहाँ पे 3700 रुपये भाव देखने को मिला है सोयाबीन में। आवक की बात करूँ तो आवक यहाँ पे 1 क्विंटल देखने को रही है। लासनगांव निफाड़ मंडी की बात करूँ तो यहाँ पे दोस्तों 3000 रुपये से लेकर 4052 रुपये भाव देखने को मिला है। आवक यहाँ पे 1208 क्विंटल देखने को रही है। नेक्स्ट में बात करेंगे मुदखेड़ मंडी में, जो कि 3600 रुपये से लेकर दोस्तों 4055 रुपये भाव देखने को मिला है। 4050 रुपये आवक यहाँ पर 120 क्विंटल देखने को रही है। नेक्स्ट में हम बात करेंगे नागपुर मंडी में, जो कि 3700 रुपये से लेकर दोस्तों यहाँ पे 4300 रुपये भाव देखने को मिला है। आवक यहाँ पर 1826 क्विंटल देखने को रहे हैं। बात करेंगे तुलजापुर मंडी में, जो कि दोस्तों 3970 रुपये से लेकर दोस्तों 3970 रुपये भाव देखने को मिला है। आवक यहाँ पर दोस्तों 1850 क्विंटल देखने को रही है। उदगीर मंडी की बात करो तो 3980 रुपये से लेकर दोस्तों 4020 रुपये भाव देखने को मिला है। आवक की बात करो तो आवक यहाँ पर 10200 क्विंटल देखने को रही है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जालना मंडी में, जो कि दोस्तों 2700 रुपये से लेकर 4050 रुपये भाव देखने को मिला है सोयाबीन में। आवक यहाँ पर 5735 क्विंटल देखने को रही है। बात करेंगे राता मंडी में, जो कि दोस्तों 3850 रुपये से लेकर 4161 रुपये भाव देखने को मिला है। आवक यहाँ पर 78 क्विंटल देखने को रही है। नेक्स्ट बात करेंगे केज मंडी में, जो कि दोस्तों 3900 रुपये से लेकर यहाँ पर 4200 रुपये भाव देखने को मिला है सोयाबीन में। आवक यहाँ पर 631 क्विंटल देखने को रही है। बात करेंगे यहाँ पर चोपड़ा मंडी में, जो कि दोस्तों 3000 रुपये से लेकर यहाँ पर 3936 रुपये भाव देखने को मिला है। आवक यहाँ पर दोस्तों 90 क्विंटल देखने को रही है। नेक्स्ट में बात करेंगे दोस्तों अमलनेर मंडी में, जो कि 3700 रुपये से लेकर दोस्तों 4000 रुपये भाव देखने को मिला है सोयाबीन में। आवक की बात करूँ दोस्तों तो आवक यहाँ पर 200 क्विंटल देखने को रही है। नेक्स्ट में बात करेंगे अकोट मंडी में, जो कि दोस्तों 3800 रुपये से लेकर 4100 रुपये भाव देखने को मिला है सोयाबीन में। आवक की बात करो दोस्तों तो आवक यहाँ पे 50 क्विंटल देखने को रही है। नेक्स्ट में हम बात करेंगे दोस्तों अकोला मंडी में, जो कि दोस्तों यहाँ पे 3300 रुपये से लेकर 4175 रुपये भाव देखने को मिला है। आवक यहाँ पे दोस्तों 6290 क्विंटल देखने को रही है। नेक्स्ट में हम बात करेंगे परवाड़ी मंडी में, जो कि 3920 रुपये से लेकर दोस्तों 4180 रुपये भाव देखने को मिला है। आवक की बात करें दोस्तों आवक यहाँ पे 1050 क्विंटल देखने को रही है। नेक्स्ट में हम बात करेंगे चिखली मंडी में, जो कि दोस्तों यहाँ पे 3251 रुपये से लेकर 4151 रुपये भाव देखने को मिला है। आवक की बात करें तो आवक यहाँ पे 4465 क्विंटल देखने को रही है। बात करेंगे गंगाखेड़ मंडी में, जो कि दोस्तों 3700 रुपये से लेकर 4150 रुपये भाव देखने को मिली है। आवक यहाँ पे 261 क्विंटल देखने को रही है। नेक्स्ट में हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे किले धरूर मंडी में, जो कि दोस्तों 3200 रुपये से लेकर दोस्तों 3981 रुपये भाव देखने को मिला है। आवक की बात करें तो आवक यहाँ पे 220 क्विंटल देखने को रही है। बात करेंगे नेक्स्ट में रालेगांव मंडी में,
जो भी दोस्तों 3000 रुपये से लेकर 4150 रुपये भाव देखने को मिला है सोयाबीन का। आवक की बात करें तो आवक यहाँ पर 56 क्विंटल देखने को रही है। नेक्स्ट में हम बात करेंगे दोस्तों आस्तिक करंजा मंडी में, जो कि दोस्तों 2800 रुपये से लेकर यहाँ पर 4000 रुपये भाव देखने को मिला है। आवक की बात करें दोस्तों तो आवक यहाँ पर 956 क्विंटल देखने को रही है। नेक्स्ट में बात करेंगे मुरू मंडी में, जो कि 3400 रुपये से लेकर दोस्तों यहाँ पर 3900 रुपये भाव देखने को मिला है सोयाबीन में। आवक की बात करूँ तो आवक यहाँ पर 114 क्विंटल देखने को रहे हैं। नेक्स्ट में हम बात करेंगे पठारी मंडी में, जो कि 2301 रुपये से लेकर दोस्तों 3901 रुपये भाव देखने को मिला है। आवक की बात करें दोस्तों तो आवक यहाँ पर 220 क्विंटल देखने को रहेंगे। नेक्स्ट में हम बात करेंगे काटोल मंडी में, जो कि दोस्तों 2950 रुपये से लेकर 4061 रुपये भाव देखने को मिली है। आवक की बात करें तो आवक यहाँ पर दोस्तों 1210 क्विंटल देखने को रहेंगे। नेक्स्ट में हम बात करेंगे पर्ली बजाथ मंडी में, जो कि दोस्तों 3550 रुपये से लेकर 4035 रुपये भाव देखने को मिला है। आवक की बात करें तो आवक यहाँ पर 3500 क्विंटल देखने को रहेंगे। नेक्स्ट में हम बात करेंगे तेलारा मंडी में, जो कि दोस्तों 3250 रुपये से लेकर दोस्तों 3880 रुपये भाव देखने को मिला है सोयाबीन का। आवक यहाँ पर दोस्तों 150 क्विंटल देखने को रही है। तो दोस्तों ये थी आज के महाराष्ट्र के सभी बड़ी मंडियों के सोयाबीन के भाव। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। किसान भाइयों इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य कीजिएगा। ज्यादा जानकारी के लिए वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस लिंक पर जाकर क्लिक करके ढेर सारे महाराष्ट्र मंडियों के आलू या प्याज या लहसुन जो भी हो उसके मंडियों के रिलेटेड बहुत से स्टेट की जानकारी आप वहाँ से जान सकते हैं। चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक के साथ। तब तक दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।